हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि हेड सर को पीट दिया है तो कोई एक्शन लिया है कि नहीं। तो गाइस, हेड सर ने एक्शन लिया है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी किया है। तो वो पुलिस जाके उसके घर पे उसको पकड़ के 5-6 दिन से जेल में रख रहे है उसको। तो वहां पे वो उसे जेल में पकड़ा दिया है। तो अब देखते है कि आगे क्या होता है। हम लोगों को भी नहीं पता है कि हेड सर अब आगे क्या करेंगे। वो बहुत गुस्से में, उन्हें बहुत मार लगी है, उसे बहुत पीटा गया है। तो गाइज, आप लोग आज देख ही सकते हो कि कैसा मौसम हो गया आज। आज बहुत ठंड है बाहर और हवा भी चल रहा है। तो गाइज, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। टाइम 10 बज चुके हैं, मुझे भूख भी लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ। गाइज, आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड पड़ रही है। तो गाइज, आप इन सबको भी देख सकते हो कैसे ठंड के मारे कांप रहा है। ये मुझे देख रहा है कि ये कुछ कपड़े पहना देंगे, लेकिन इनके लिए तो कुछ कपड़े है नहीं। आज धूप ही नहीं उग रही है गाइस, पूरा गांव धुआं धुआं हो गया है। तो गाइस, आप सबको अपने छत पे से दिखा देती हूँ आज का मौसम कैसा लग रहा है। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे कैसा मौसम हो चुका है, पूरा दुनिया धुआं धुआं हो चुका है। तो गाइस, अब बहुत ठंड लग रही है, पहले तो नहीं लग रहा था ठंड, अब लग रही है। तो गाइस, आप लोग मेरे जैकेट देख ही सकते हो, कल ही खरीदा है, वो भी 2000 में। तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये मेरा जैकेट कैसा लग रहा है। तो गाइस, बहुत ठंड है इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया, जैकेट भी लगा लिया, और आज आप सबको अपनी नानी माँ से मिलवाने वाली हूँ। तो गाइस, ये मेरी नानी माँ, मेरी नानी माँ है यही। वीडियो बनवी थी नानी, वीडियो की। तो गाइस, आप लोग ने देख लिया मेरी नानी माँ को, और आप लोग मेरे भैया सभी भी मिल चुके हो। तो गाइस, मुझे भूख लगी है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेड और दूध खाने। तो गाइस, मैंने दूध और ब्रेड खा लिया और खाना भी खा लिया। तो अब मैं बैठी थी, तो हमारे जो बकरी है उन सब का खाना बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत भूख लगा है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कितनी ठंड पड़ रही है, और हमारे बकरी को भूख भी लगा है। तो हमारा जो बारी है उसमें बहुत घास है, तो हम और मेरी मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं अब बकरी के लिए घास लाने। तो गाइस, घास काटने के लिए हमें हसुआ चाहिए, तो मैं ये ऊपर आई हसुआ लेने, क्योंकि मैं ये पसारने आई थी तो ये लेकर आई थी ऊपर ही। तो अब मैं जा रही हूँ अपने बारी में। तो आप लोगों ने मेरा खेत पहले देखा ही था, मेरा खेत पहले वहाँ पे था, एक खेत वहाँ पे है, और अब जो बारी है वो इस तरफ है। तो अब हम लोग जा रहे बारी में पत्ता काटने। तो गाइस, एक बच्चे को देख ही सकते हो कैसे खेल। अरु, हे हे, चल बारी में, चल चल बारी में, चलो मेला देखा, चलो चलो। तो गाइज, आप लोग ने देखा अभी मेरे बारी के पास कितने लोग थे। व्यू देख सकते हो कि ठंड से कैसे पैर हिल रहे हैं, बहुत हवा चल रही है, और मेरी बारी में जो घास थी वो हम लोग सब काट लिए हैं अपने बकरी के खिलाने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कि कितने पेड़ है हमारी बारी में, ये आम का है, यहाँ भी एक आम का है, और ये है लताम का पेड़, और ये है नीम का पेड़। और गाइज, हमारे बारी में घास नहीं है, पूरा मतलब सटिया है, पूरा काट के हम लोग ने सटा दिया है। तो अब हम लोग आए हैं ये पत्ता काटने। तो
गाइज वहाँ पे आप लोग देख सकते हो वही पत्ता काटने आए हम लोग। और गाइज आज बहुत ठंड हो रही है, देख सकते हो कितना पेड़ हिल रहा है बहुत सारा, और ठंड तो बहुत है। तो गाइज मैं गांव घर में मैथिली ही बोलती हूँ, हिंदी कभी नहीं बोलती। और अब मैं जब बारी में आ रही थी तो ये घर तो देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक घर है, वो घर का आदमी मुझे ऐसे देख रहा था कि ये मैथिली बोल रहा था हिंदी कैसे बोल रहा है, अब हिंदी बोल क्यों रहा है ऐसे, मतलब घूर रहा था मुझे अभी भी मुझे ही देख रहा है गाइज। तो गाइज ये जो घर है वो हमारे मामा का है, और मामा के बारे में भी आप लोग देख ही सकते हो कि कैसे केले का पेड़ यहाँ पे लगाया हुआ है, और वो भी कितने सारे, तीन यहाँ पे है एक यहाँ पे है, चार चार, अभी पक्का नहीं है कच्चा है। तो गाइज हमारे मामा का घर है, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, उस तरफ रहते हैं। कोई भी नहीं, अंदर खाली है पूरा का पूरा। यहाँ पे कल भी है एक जो कि खराब हो चुका है। तो गाइज इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते हो गए हैं, तो ये सारे के सारे पत्ते हम काट लेंगे, क्योंकि बकरी को तो बहुत भूख लगा है इस ठंडी में, उसे कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए, बहुत अभी तकलीफ हो गया उसे खाने में, इसलिए हम लोग बारी में आ गए अपने बारी में, सोचा कुछ तो यहाँ से लेकर जाएंगे खाने के लिए, इतनी ठंड में खाना के बगैर वो तो मर ही जाएंगे। गाइज यहाँ पे देख ही सकते हो कैसे हमारे बारी में आके खा रहा है पूरा हम जीव बता घर है आए हम घर जियो। तो गाइज इससे नहीं टूट रहा है पत्ता, तो हम जा रहे हैं दूसरी लक्सी लाने, तो अब हम जा रहे हैं घर पे दूसरी लक्सी लाने, इससे कुछ नहीं होता रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे गाइज, और थोड़ा सा पत्ता सिर्फ इतना ही मेरे से टूटा है गाइज, तो अब मैं जा रही हूँ लक्सी लेके फिर से। सो गाइज फाइनली हम लोग इतने पत्ते लेके आ गए अपने बकरी के लिए अपने बारी से। तो गाइज कल नए साल है, तो कल नए साल के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, बाय।